नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम विभा सिंह है। मेरे इस चैनल का नाम संस्कृत क्लासेस बाय विभा मैम है। मैं 20 सालों से संस्कृत पढ़ा रही हूँ। संस्कृत पढ़ाने के दरमियान मैंने ये देखा है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ने में, समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। उन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, चैप्टर को आसान बनाते हुए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आसानी से उन्हें समझा सकूं और ताकि वह परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। मेरा आज का विषय संस्कृत भाषा है। इस टॉपिक पर मैं आपको संस्कृत भाषा के विषय में बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो हमारे सामने तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वर्ण, दूसरे नंबर पे शब्द और तीसरा वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य को मिलाकर के भाषा की रचना होती है। अब मैं अगले एपिसोड में आप सबको वर्ण के विषय में विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मैं जब अपना अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।